मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को 5 किलो चावल देती है, जबकि हम लोग 35 किलो चावल हर परिवार को देते हैं। भाजपा नेताओं को झूठ बोलते शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने लोकसभा क्षेत्र में उड़ान शुरू करवा दें। चावल खरीदती है कि नहीं खरीदती? केंद्र सरकार राज्य को केवल 5 किलो चावल देती है, हम लोग एक परिवार में 35 किलो देते हैं, चाहे 3 का परिवार हो तो डिफरेंस का चावल कौन देता है? उसके लिए चावल हम खरीदते हैं ना, पूरा पैसा देते हैं। ये दूसरी झूठ। अब चावल में भी देखेंगे तो चावल हम लोग अभी तक के छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पीडीएस सिस्टम में 5,000 करोड़ के अनुदान दे चुकी है, 5,000 करोड़ इन 4 सालों में। जैसे बिजली हम दे रहे हैं, 3700 करोड़ रुपया हुआ है बिजली बिल आधा का, उसी प्रकार के चावल में 5,000 करोड़ का अनुदान हमने दिया है, वो भार हमने उठाया। हर साल के बजट में देख लीजिए, 1300-1400 करोड़ रुपया केवल चावल में जो डिफरेंस का रेट है वो देने के लिए राज्य सरकार देती है। ये दूसरी झूठ। तो ये झूठ फैला के गुमराह करने की कोशिश, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को, आप उड़ान शुरू करवा दीजिए बिलासपुर का। हमने 45 करोड़ रुपये खर्चा किया है, तो उड़ान तो शुरू करा दें, अपने लोकसभा क्षेत्र में कम से कम उतना तो कर दो। देखिए, नड्डा जी जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे, मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं विधायक? अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई? तो ये किसकी पार्टी हुई? बलिराम कश्यप, स्वर्गीय बलिराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहुते। अरे, उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है। गिनाओ तो दर्जनों मिल जाएंगे।